सर जिस तरह के बयान आए हैं, इस चुनौती को कैसे टैकल करेंगे? हम सकारात्मक सोच के लोग हैं, हम नकारात्मक राजनीति पर और नेगेटिव पॉलिटिक्स पर विश्वास नहीं करते। हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, अपने बुजुर्गों का मान और सम्मान करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, अपने छोटों को प्यार की नज़र से देखते हैं और किसी एक व्यक्ति विशेष का विरोध करने के लिए राजनीति में नहीं, एजेंडा और मुद्दों का विरोध कर सकते हैं मगर व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते। मैं फिर कहूँगा, हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, हम अपने फैमिली के फैमिली अफेयर को, अपनी घर की प्राइवेट बातों को पब्लिक डोमेन पे या सड़कों पे लाने का काम नहीं करते। ना तो हमारे एथिकल वैल्यू, ना हमारी मॉरल वैल्यू इस बात की इजाज़त देती कि चौधरी देवीलाल के परिवार की बातें सड़कों पर आएँ। हम फिर, मैं कहूँगा कि आप मेरे से दोबारा पूछोगे कोई ना कोई और बात, मैं फिर कहूँगा कि हम अपने परिवार का सम्मान करते आए हैं, करते रहेंगे, हम उनका आदर करते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हम एक सोच लेकर के चले हैं, वो शायद सोच और वो मत जो है वो उनसे अलग हो सकता है, डिफर कर सकता है। सर, आपके पिता भी जेल में हैं और चुनाव प्रचार में सिर्फ आप दो भाई हैं, एक माता नैना चौटाला जी हैं, क्या आपको क्या 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 आपको क्या क्या आपको कभी ये फील नहीं होता कि हम भी अकेले हैं और इस तरह का इमोशनल टच जो इस सारे रणनीति में आया है? ऐसा है, अगर संघर्ष को अपनी आंखों का आंसू बनाकर जो है ना कमज़ोरी दिखाकर वोट ठगने हैं तो एक बार लोगों से वोट लेकर के हासिल कर करके उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे बुनियाद तो मजबूत नहीं होगी ना। हम मुद्दों के नाम पर राजनीति करने आए, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके राजनीति नहीं करने आए। ठीक है, एक सिचुएशन है जिसमें कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र के तहत मेरे पिता दादा को जेल में जाना पड़ा, मगर उससे हमने अपनी ताकत बनाई, उससे हम सीखे हैं और कठोर पल में जो जीना है वो आपको लोहा बना देता है और लोहा जब उसको आप छूते हैं तो वो ठंडा होता है, इसलिए ठंडा रहना चाहिए और मजबूत होता है। जैसे लोहा गर्म हो जाता है तो फिर वो लोहे की ताकत भी कमज़ोर हो जाती है, वो मुड़ना शुरू हो जाता है। आज जो गर्म दल के नेता हैं वो एक तरफ हैं और उस गर्म लोहे की तरह हैं, हम ठंडे लोहे की तरह एक मजबूत और चट्टान बन के खड़े। सर, आम आदमी पार्टी का साथ मिला है, आम आदमी पार्टी का साथ मिला है, क्या मानते हैं? आम आदमी पार्टी का व्यापारी वर्ग में, शहरी तबके के अंदर और गाँव के अंदर भी बड़ा अच्छा एक रुझान है। दिल्ली के अंदर हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत बड़ा काम आम आदमी पार्टी ने किया है। लाइक माइंडेड पीपल, एक सोच के एक विचार के लोग अगर एक मंच पर आएंगे तो मुझे लगता है इसका स्वागत मुझे नहीं, जो चौथा स्तंभ मीडिया है उसको भी करना चाहिए। सर, कप प्लेट के क्या मिजाज है जींद में? कप प्लेट की चाय आपने भी सुबह पीनी, हम सब पियेंगे और एक एक कीमती वोट जो है ये देख लो, कप और प्लेट। ये जिनके घर में चाय नहीं पी पाया, जिनके घर पी रहा हूँ वहाँ तो प्रचार कर ही रहा हूँ, और जिनके घर में चाय नहीं पी पाया, जिनके घर में नहीं जा पाया, उन सबको कहा भाई ये जब आप दबाओगे तो ये समझ लेना दिग्विजय के अंदर चाय का जो है ना घुट चला जाएगा, कि दबा दबा कर अपना आशीर्वाद दें, फिर मैं सबके घर आऊँगा, सबके घर मिल करके सबका आशीर्वाद लेकर के और सबका धन्यवाद कर करके जाऊँगा। बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी से ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जी, जिन्होंने कहा कि जो जिस तरह के बयान आए हैं ओम प्रकाश चौटाला जी के और उसके बाद उनकी दादी के, कहीं ना कहीं एक जो घर की लड़ाई है उसको बाहर लाने का जो काम किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया गया है। इमोशनल टच तो हमारे पास भी है, हम मैदान में किस तरह से जंग लड़ रहे हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान आया है और उसके बाद दुष्यंत की दादी का बयान आया है, तो इन सबको लेके काफ़ी चर्चाएं यहाँ पे गर्म हैं। और इसी बीच जो दिग्विजय चौटाला ने कहा वो काफ़ी मायने रखता है कि घर की लड़ाई बाहर ना लेके आए। जिनसे K9 मीडिया के लिए अमन कौशिक के साथ अरुण कुमार की रिपोर्ट। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।